अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेजबान रईस वानी, आप देख रहे हो प्राइम पोस्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी खबर आई है अनंतनाग के सीर हमदान से, जहां पे एक घर में कल रात से ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है वहां पे छापामारी की। खासकर तारीफ करनी पड़ेगी अनंतनाग पुलिस और मटन पुलिस की, जिन्होंने कल रात घर में छापा मारा और काफी टाइम से वहां पे सर्च चल रहा था और वहां से जो है शराब के 900 बोतल बताया जा रहा है कि रिकवर की गई है। उसके साथ साथ ये खबर आ रही है कि 2.5 किलो जो है चरस भी वहां से पकड़ने में कामयाब हुई है जम्मू कश्मीर पुलिस। और आपको मैं ये भी बता दूं, ये जो सीर हमदान का रहने वाला था और वहां पे जो ही पुलिस को ये इत्तला मिली थी कि वो उनके घर में जो है शराब की बोतलें और चरस है, तो उन्होंने वहां पे छापा मारा, जिसके चलते जो है उन्होंने, ये खबर आ रही है जो हमारे पास पहुंची है कि 800 से लेकर 900 बोतल तक जो है ये शराब की बोतलें वहां से जब्त किए गए और 2.5 किलो चरस भी वहां से जब्त किया गया है। और आपको मैं बता दूं, जो अगर हम बात करेंगे, ये काफी बड़ी कामयाबी मानी जाएगी अनंतनाग पुलिस और मटन पुलिस की। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बात बता दूं कि घर में जो है अंदर भी शराब भरा हुआ, तो जो इनकी पर्सनल गाड़ियां जो थी उनमें भी जो शराब की बोतलें जो है जब्त की गई। और आपको मैं अपडेट दूं कि इस वक्त जो इनकी फैमिली है, चाहे के साथ जो भी इनके घर में रहते हैं, उनको पुलिस ने जो है अभी ये खबर आ रही है कि अरेस्ट कर दिया गया है। और साथ ही जो इनकी पर्सनल गाड़ियां हैं उनको भी सीज कर दिया गया है और इनके घर को जो है ताला लगाया गया है। और अभी मजीद अपडेट क्या होगा, अभी जो है क्या अभी अपडेट क्या होगा इस मामले में, वो भी हम अब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और ये माना पड़ेगा कि अनंतनाग, जो अगर हम सीर हमदान की बात करेंगे, वहां से काफी खबरें आ रही थी कि शायद जो यूथ है वो ड्रग की तरफ ज्यादा माइल हो रहे हैं और इसी चलते जो है पुलिस ने बड़ा शिकंजा कस के जो है बड़ी कामयाबी वहां से पाई है कि जो कल रात से ही जो है वो वहां पे उन्होंने एक घर पे छापा मारा, जिसके चलते जो है वहां से बड़ी मतलब तादाद में जो है वो शराब की बोतलें जो है वो जब्त किए हैं। आप बने रहे प्राइम पोस्ट के साथ, मजीद अपडेट आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।